छावनी स्थित पटेल बंगले में मंगलवार से साइबर पुलिस स्टेशन के कामकाज की शुरुआत की गई है। इस साइबर पुलिस स्टेशन की स्वतंत्र इमारत के उद्घाटन के दौरान शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि अब हर थाने में साइबर से संबंधित शिकायतें दर्ज की जाएंगी। अगर फरियादी साइबर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत करता है तो साइबर स्टेशन में भी केस दर्ज करा सकेंगे। किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद साइबर पुलिस स्टेशन के नोडल ऑफिसर संबंधित जांच अधिकारियों को मदद करेंगे। कुछ दिनों पहले ही प्रत्येक पुलिस थाने में एक PSI हवलदार और पुलिस कर्मचारी समेत एक साइबर सेल का गठन किया गया है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि महिलाओं के फेसबुक व सोशल मीडिया से संबंधित मामले संबंधित थानों में दर्ज होंगे। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन साइबर पोर्टल पर 2000 शिकायतें आई हैं। इन शिकायतों का निपटारा 31 दिसंबर 2022 तक होना अपेक्षित है। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नीवा जैन, उपायुक्त चिन्मय पंडित, DCP डॉक्टर संदीप पखाले, DCP गजानन राजमाने सहित अनेक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। साइबर पुलिस स्टेशन का जो शुरू हुआ था ये 2018 में सरकार की GR निकली थी और उस समय से साइबर पुलिस स्टेशन शहर में शुरू था, लेकिन CCTNS के गो लाइव और लॉगिन ID नहीं मिलने की वजह से प्रत्यक्ष FIR रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू नहीं हो पाया था। वो आज से CCTNS गो लाइव होने की वजह से आज से हमने FIR रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू किया है और आज फर्स्ट FIR हमने इस इमारत में जहाँ पे हमने नए जगह पे ये शिफ्ट किया है पुलिस स्टेशन, यहाँ पे शुरू किया गया है। पूरी साइबर क्राइम्स को प्राथमिकता से इन्वेस्टिगेट करना और डिटेक्ट करने की दृष्टि से सभी पुलिस स्टेशन में एक साइबर सेल्स रीऑर्गेनाइज किया गया है। ट्रेंड डेडिकेटेड स्टाफ एक PSI और 5 कर्मचारी के हर पुलिस स्टेशन में दिए गए हैं। इसके अलावा इस इमारत से जो साइबर पुलिस स्टेशन जो काम कर रहा है यहाँ पे डेडिकेटेड स्टाफ अधिकारी और कर्मचारी दिए गए हैं। अब FIR जिस भी मैटर में कॉग्निजिबल ऑफेंस हो रहा है वो चाहे तो पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन कहीं पे भी रजिस्टर हो सकता है और उसकी तपास एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से इस पुलिस स्टेशन के जो PI हैं वो करेंगे। इसके बारे में डिटेल गाइडलाइंस SOPs पुलिस स्टेशंस के लिए निर्गमित की गई है। जो भी पुराने ऑनलाइन पोर्टल्स पे जो पेंडिंग कंप्लेंट्स थे उसकी पूरी आढ़ावा ली गई है और जिसमें भी कॉग्निजिबल ऑफेंस हो रहा है वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी आज से सभी पुलिस स्टेशन में शुरू की जा रही है और उसकी इन्वेस्टिगेशन साइबर सेल और पुलिस स्टेशन के मदद से वो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। साइबर के ऑफेंसेस में बहुत बार IT एक्ट लगता है जिसमें PI दर्जा के अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करना अनिवार्य होता है। किसी एक PI पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं आए इसलिए ट्रैफिक या क्राइम ब्रांच EOW अलग अलग ब्रांचेस के भी PIs को इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और अगर संख्या ज़्यादा होगी तो वो लोगों का हेल्प इन्वेस्टिगेशन में वो लोगों को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करके नियुक्त किया जाएगा। एक सोशल मीडिया लैब का स्थापना किया गया है जिसमें सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हमारी डेडिकेटेड टीम पेट्रोलिंग करेगी और इसमें जो सिटी के जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी भी मदद ली जाएगी और एक साइबर इंटेलिजेंस यूनिट करके ये पथक काम करेगी जिससे कि नए ट्रेंड्स क्राइम में या अलग अलग जो मोडस ऑपरेंडी है उसकी स्टडी करके आवश्यक तो प्रमाणे अलर्ट मैसेजेस नागरिक के लिए और पुलिस के एजेंसीज के लिए वो इशू करेंगे। इस प्रकार की रूपरेखा शुरू की गई है। साइबर क्राइम एक अत्यंत प्राथमिकता का विषय सरकार के लिए है और नागपुर शहर पुलिस ने उसको आज से ये मुहिम बहुत युद्ध पात्री पे शुरू की है और हमें विश्वास है कि साइबर क्राइम प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और फाइनली कन्विक्शन इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें सफलता मिली। कैमरा पर्सन अमोल के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।